बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं आज की वीडियो। छोटा सा डिस्क्लेमर वीडियो शुरू करने से पहले कि वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज के तरफ एपीएलपी डेटा पे नज़र डालते हैं और देखते हैं कि मार्केट की आज की क्लोजिंग कैसी रही है। ठीक है, तो एपीएलपी डेटा पे नज़र डालें तो फॉरन कॉर्पोरेट्स ने बहुत ज़्यादा सेलिंग की है। ठीक है, और सिमिलरली इंडिविजुअल्स ने, हमारे ने सेलिंग की है और ब्रोकर्स ने सेलिंग की है। NBFC छोटी सी सेलिंग के साथ है और सबसे ज्यादा बाइंग की है कंपनीज ने, बैंक्स ने, म्यूचुअल फंड ने भी अच्छी बाइंग की है और इंश्योरेंस कंपनीज भी फाइनली थोड़ी बहुत इन हुई है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो चार एंटिटीज मार्केट की, अच्छी एंटिटीज जो हैं वो इन हुई है मार्केट के अंदर, और एक एंटिटी जो कि फॉरेन कॉरपोरेट है वो आउट हुआ है, और उसमें भी मेजर जो क्वान्टिटी है वो उसकी अदर सेक्टर्स में है। तो इसको भी अगर निकाल दें तो ओवरऑल इसका भी ठीक ही है, मतलब रिजल्ट। सो ओवरऑल जो अगर कंक्लूड करें तो माशाल्लाह अच्छा, कोई हौसला अफजा चीज निकल के सामने आती है, और टेक्नोलॉजी में अच्छी खासी सेलिंग हुई है, लेकिन कॉर्पोरेट सीन हुए हैं और कॉर्पोरेट्स ने जहाँ सेलिंग की है वहाँ पे कंपनीज बहुत ज्यादा इन हुई है। तो 50-50 यहाँ पे इन दोनों में सिचुएशन है, लेकिन ये कि ओवरऑल ट्रेंड जो है ना वो इंशाल्लाह ताला अच्छा है और बेहतरी की तरफ उम्मीद है। देखते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स क्या कहती हैं, कैसे मार्केट की क्लोजिंग रही है। ठीक है, तो कैंडलस्टिक चार्ट पे देखें तो आज की डे क्लोजिंग देखें तो एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि मार्केट का 2 वीक पुराना, मतलब लास्ट वीक से पिछले वाला पाइवोट था 47,510। ठीक है, और ये मार्केट अपना जो लास्ट वीक थी वो क्रॉस नहीं कर पाई थी, यहाँ तक आई थी लेकिन क्रॉस नहीं कर पाई थी। तो वीकली पाइवोट मार्केट का पिछला जो था वो, जो लास्ट वीक का पाइवोट है वो 47,210 है। ये मतलब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट के पास। ठीक है, और आज की जो मार्केट की क्लोजिंग है वो पाइवोट के बिल्कुल पास हुई है। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि इस सेंस में अच्छी बात है क्यों, मार्केट ने अपनी लो को आज टेस्ट किया जो कि उसकी 46,600 के पास थी। ठीक है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर मार्केट ये वाला रीजन जो है वो ब्रेक करेगी तो यहाँ से फिर वापस होगी। ठीक है, तो माशाल्लाह मार्केट ने वहीं से बैक लिया और अच्छा बैक लिया है, पाइवोट के बिल्कुल पास क्लोजिंग है। तो एक्सपेक्टेड है कि कल भी, अगले दिन भी जो भी खुलेगा पॉजिटिव खुलने की उम्मीद है, और रेंज बाउंड लेकिन थोड़ा सा रहेगा। इंडेक्स को अपने 900 के लेवल को मेंटेन करना ही करना है, 850 के लेवल को मेंटेन करना ही करना है। ये जो चैनल है ना 900 से लेकर 850 का चैनल, ये मेंटेन करना ही करना है, अदरवाइज इंडेक्स दोबारा मुश्किल खड़ी कर देगा। और आप देख लें कि पिछले कोई 25 जून से इसने अपने लो बॉटम हिट करने शुरू किए, और 25 जून से आज तक इसने बॉटम हिट किए, लेकिन ये बॉटम आउट नहीं हुआ था। आज ये बॉटम आउट भी हुआ है, और ये एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि मार्केट ने अपना नया एक लो लगा लिया। तो लेकिन क्लोजिंग मार्केट की ये बता रही है कि माशाल्लाह अच्छी है, एटलीस्ट उस रीजन के अंदर आगे क्लोज हुई है मार्केट, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन। तो और वॉल्यूम्स देखें तो एवरेज वॉल्यूम से कम वॉल्यूम है मार्केट के। ठीक है, और प्रेशर थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकता है, और आज की अगर हम मैकडी पे बात करें तो मैकडी का हिस्टोग्राम लेंथ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, और ये जो लाइन है रेड लाइन, ये भी नीचे की तरफ आ चुकी है। ठीक है, तो और ये इनका डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको हिस्टोग्राम को खत्म करूं तो आप देखेंगे इनका डिफरेंस भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो ये एक अच्छी निशान नहीं है मार्केट के लिए। लेकिन स्टिल लेट्स सी के क्या होता है, फिपिलिपी डेटा और एक दो इंडिकेटर्स तो कह रहे हैं कि अच्छी, मतलब कि हौसला अफजा बात है। RSI की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है। ठीक है, अपनी ये भी अपनी सपोर्ट तोड़ चुका है, ये भी डेली बेस पे, ये भी अपनी जो 40 की सपोर्ट थी वो नीचे तोड़ चुका है। तो ये भी इंडिकेटर जरा कह रहा है कि खतरा भी टला नहीं है, और ये भी इंडिकेटर अभी कह रहा है कि खतरा भी टला नहीं है। तो
ये अगर बेरिश जोन में अगर एंटर हो गया तो फिर ये 46,600 के पास और 300 के पास मार्केट अकोमोडेशन जोन में चली जाएगी, ठीक है। तो वहां से बैक एक्सपेक्टेड है फिर मार्केट का। तो दो इंडिकेटर, तीन RSI, दूसरा MACD और तीसरा वॉल्यूम, ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत खतरा है, अभी भी खतरा टला नहीं है, ठीक है। और हाउएवर जो क्लोजिंग है मार्केट की, वो डेली लेवल पे यही बता रही है कि एक अच्छी क्लोजिंग है, हौसला अफजा क्लोजिंग है, और फीपीली भी डेटा भी यही बता रहा है कि हौसला अफजा क्लोजिंग, ठीक है। अच्छा, ये मार्केट की आज जहाँ से बैक हुआ है, ये 20 DMA की सपोर्ट थी जो कि इसने आज ली है मार्केट ने, जो कि एक खुशाइम बात है और इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव की उम्मीद करते हैं। और ये वाला जो हमारा इंडिकेटर है, ये बता रहा है कि जैसे जैसे मार्केट यहाँ इस जोन में आती जाएगी, ठीक है, इस जोन में आती जाएगी, वहाँ पे लास्ट टाइम जब ये कैंडल आई थी तो बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे आती रहेगी तो बाइंग प्रेशर डोमिनेंट होता रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात बता रही है कि इंशाल्लाह ताला ये इसको सस्टेन करेगी स्पोर्ट को। तो और मार्केट को जरा वीकली लेवल पे अगर देखें तो क्योंकि आज पहला दिन है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम तो कम ही होंगे, और इनको अगर देखें तो लास्ट वीक जो 16 अगस्त को तो था उसमें हिस्टोग्राम की लेंथ इंक्रीज हुई है, एक हौसला अफजा बात नहीं है, ठीक है। RSI 50 के ऊपर फिर रहा है जो कि एक अच्छी बात है, 50 से ऊपर ऊपर RSI बैक की उम्मीद दे देगा, ठीक है। और ये अपने बुलिश बेरिश जोन की तरफ एंटर होने जा रहा है, मतलब मार्केट को आपने स्ट्रेटजी ये रखनी है कि आपको जहाँ प्रॉफिट मिले आप बुक करें, until unless market 47,500 से ऊपर क्लोजिंग ना दे, जहां मौका मिले प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है। और वेट करें कि आपको सस्ते दामों चीजें मिल जाए, और मिल जाएंगी आपको, जब तक मार्केट अपनी क्लोजिंग 47,000 से ऊपर की नहीं देती उस वक्त तक थोड़ा बहुत खतरा नहीं टलेगा। और 47,500 की 550 की क्लोजिंग मार्केट को चाहिए फर्दर अप के लिए, ठीक है, उसके बाद खतरा बिल्कुल टल जाएगा। तो ये था वीकली बेस का रिव्यू और डेली बेस का रिव्यू, होपफुली आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।